गायक और संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हो गया है। मुंबई के एक अस्पताल में बप्पी लहरी ने अंतिम सांस ली है। 69 साल की उम्र में बप्पी लहरी का निधन हुआ है। बॉलीवुड ने खोया आइकॉनिक सिंगर, संगीत प्रेमियों में शोक की लहर है। गायक और संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हो गया है। 59 वर्षीय बप्पी लहरी ने मुंबई में एक अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली है। मंगलवार रात बप्पी लहरी की तबीयत अचानक से काफी बिगड़ गई थी। उन्हें अस्पताल लाया गया था, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की काफी कोशिश की पर नाकामयाब रहे। आपको बता दें कि बप्पी लहरी पिछले कुछ समय से बीमार थे। उन्हें पिछले साल से ही अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ रहा था। पिछले साल जब सिंगर में कोरोना के हल्के लक्षण नजर आए थे, तब भी उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। वो ब्रीच कैंडी अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में थे। बप्पी दा का असली नाम अलोकेश लाहिड़ी है। उन्होंने 70 से 80 के दशक में बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक आइकॉनिक गाने दिए। मिथुन चक्रवर्ती का गाना आयामा डिस्को डांसर आज भी लोगों को जुबानी याद है। वो बप्पी दा ही थे जिनकी आवाज ने इस गाने को घर घर पॉपुलर किया था। म्यूजिक लेजेंड बप्पी लहरी ने 1973 में नन्हा शिकारी फिल्म में अपने म्यूजिक स्कोर से डेब्यू किया था। हालांकि बीते साल उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि किशोर कुमार की फिल्म बढ़ती का नाम दाढ़ी से उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद उनके खाते में बाजार बंद करो चलते चलते आपकी खातिर लहम के दो रंग वारदात, नमक हलाल, शराबी और साथी हिम्मत वाला, सत्यमेव जयते, आज का अर्जुन, थानेदार सहित कई फिल्मों के गाने आए हैं। साल 2020 में बागी 3 का गाना बंकास बॉलीवुड में आखिरी गाना था। बप्पी लहरी की फिल्में लगातार हिट रहीं और इस दौरान आपको बताते चलें कि बप्पी लहरी की फेमस फिल्में रहीं नन्हा शिकारी, नमक हलाल, शराबी, डिस्को डांसर, हिम्मत वाला, सत्यमेव जयते, थानेदार कमांडो, आज का अर्जुन, द डर्टी पिक्चर, गुंडे, शुभ मंगल, ज्यादा सावधान, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, बागी 3। ये वो फिल्में थी जिसमें बप्पी दा ने अपनी आवाज दी। हालांकि कल यानी कि मंगलवार को देर रात उनका निधन हो गया। 69 साल की उम्र में अंतिम सांस बप्पी दा ने लिया। देश में डिस्को म्यूजिक और द गोल्डन मैन के नाम से जाने जाने वाले बप्पी लहरी अब हमारे बीच नहीं रहे। आपको बताते चले कि 70 और 80 का वो दशक था जब बप्पी लहरी ने अपना नाम बनाया, देश में एक अलग पहचान बनाई, जनता के बीच एक अलग पहचान बनाई अपने गानों से। और साथ ही जो सोने के आभूषण वो पहना करते थे, जो गोल्डन ज्वेलरीज वो पहना करते थे, वो भी कहीं ना कहीं बप्पी दा के लिए काफ़ी ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बनता था। जब वो लोगों के बीच जाते थे, जब वो मीडिया के बीच जाते थे, हालांकि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि इस खबर के सामने आने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके शोक जताया है और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस खबर को लेकर ट्वीट किया है और दुख जाहिर किया है। जिस तरह से देश ने सुर कोकिला लता मंगेशकर को खोया, ठीक उनके निधन के बाद आज बप्पी दा भी हम सबको अलविदा कह के चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही बॉलीवुड जगत के तमाम ऐसे दिग्गज, तमाम ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने इस खबर के बाद शोक जताया है। हालांकि साल 2020 में बप्पी दा कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद से ही उनका लगातार इलाज चल रहा था। अस्पताल के चक्कर वो काटते रहे थे। हालांकि 70 और 80 के उस दशक की जो गाने थे, जो झलकी थी, वो आज एकदम से जब नाम आता है बप्पी लहरी का तो हमारे सामने आ जाता है कि किस तरह से आई एम अ डिस्को डांसर, ये सबसे ज़्यादा फेमस गाना जिन्होंने
उन्हें तरक्की के एक मुकाम पर पहुंचाया, तरक्की की एक राह दिखाई। हालांकि इस तरह के तमाम ऐसे खूबसूरत और हिप हॉप सॉन्ग उन्होंने दिए बॉलीवुड जगत को, जिसके जरिए से आज भी वो याद किए जाते हैं। और हालांकि उनका जाना एक अपूर्णीय क्षति है जो शायद कभी भी पूरी नहीं की जा सकती। उनका जाना काफ़ी ज़्यादा दुखद, काफ़ी ज़्यादा असहज है। ऐसे में उनके परिवार को ये दुख सहने की कामना नेटवर्क 10 भी करता है, और साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि उनका परिवार जो है वो इस दुख को सह सके। हालांकि न केवल परिवारजन के लिए बल्कि बप्पीदा, ये वो नाम था जिसके जरिए से बप्पी लहिरी ने अपनी एक पहचान जनता के बीच बनाई थी। एक भाईचारे के जरिए उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई थी, जिसके कारण मिथुन दा के बाद बप्पी लहिरी को बप्पीदा कहा जाता था। हालांकि जो गोल्डन मैन है बप्पी लहिरी, वो अपने आभूषण के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जाने जाते रहे हैं। कई ऐसी तमाम उनकी विशेषताएं थी, कई ऐसी तमाम उनकी खूबियां थी जिसके कारण लोग उनके तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होते थे। फिर चाहे आप बात कर लीजिए उनके उस 70 और 80 के दशक में हिप हॉप सॉन्ग की, जब उन्होंने सभी से हटकर एक अलग पहचान बनाई, एक अलग अलख जगाई जो हिप हॉप सॉन्ग देने की थी। उस दौरान हिप हॉप सॉन्ग को किस तरह से बॉलीवुड जगत में लाया जाए, इसकी शुरुआत बप्पी लहिरी की ओर से ही की गई थी। बप्पी दा ने ही इसकी शुरुआत की, तभी जाकर लोग जान पाए कि आखिर इस प्रकार के गाने भी हो सकते हैं, इस प्रकार के गाने लोगों के मन में छा सकते हैं। हालांकि अपनी एक अलग पहचान की वजह से और अपनी एक अलग सुर की वजह से बप्पी लहिरी काफ़ी ज़्यादा जाने जाते रहे, और साथ ही द गोल्डन मैन के तौर पर भी उनका नाम काफ़ी ज़्यादा मशहूर रहा, काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा।